नमस्कार, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा अर्जुन सिंह के विषय में, राजा अर्जुन सिंह स्वतंत्रता संग्राम में जो उनकी भूमिका थी उसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। पोड़ाहाट के राजा जगन्नाथ सिंह की दो रानियां थी, बड़ी रानी के पुत्र विक्रम सिंह से छोटी रानी के पुत्र पुरुषोत्तम सिंह बड़े थे। इन्हें राजा बनाया गया। पुरुषोत्तम सिंह के बाद राजा अर्जुन सिंह राजा बने। 1857 में पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह छिड़ा, स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा। हर जगह से लोग निकले, उभरे और विद्रोह किए। उस समय चाईबासा में भी विद्रोह हुआ। यहाँ के सैनिक भी विद्रोह किए थे और ये विद्रोही सैनिकों की शरण स्थली पोड़ाहाट राज ही बना और पोड़ाहाट के राजा का पूर्ण संरक्षण भी प्राप्त हुआ। इस पर कैप्टन आरसी बर्च ने पोड़ाहाट के राजा अर्जुन सिंह को विद्रोही सैनिकों के से प्राप्त बंदूकें और सरकारी खजाने के साथ चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने को कहा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें फांसी पर लटका देने की धमकी दी। जवाब में 17 सितंबर 1857 ईस्वी को अर्जुन सिंह ने चाईबासा में डुगडुगी पिटवाकर अपने को सिंहभूम का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिए। इतने में कैप्टन बर्च ने राजा अर्जुन के गिरफ्तारी पर 1000 रुपये का इनाम और उनके राज को जब्त कर लेने की घोषणा करवा दी। तब राजा अर्जुन सिंह राज्य से वंचित हो जाने के भय से रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष समर्पण करना स्वीकार कर लिए, लेकिन इनके साथ धोखा हुआ। रांची पहुंचने पर इनके साथ गए हुए सभी विद्रोही सैनिकों और विद्रोहियों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया और आनन फानन में कोर्ट बैठाकर सभी को फांसी पे लटका दिया गया। उस स्थान को अभी रांची में शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। राजा अर्जुन सिंह विद्रोही नेता भागवत सिंह और रामनाथ सिंह को अपने कुल देवी पौड़ी देवी का साक्ष्य देकर विश्वासघात नहीं होने का विश्वास दिलाया था, लेकिन वही हो गया। इसे सहन नहीं कर पाने के कारण पुनः अर्जुन सिंह विद्रोह की घोषणा कर दिए। अर्जुन सिंह के ब्रिटिश विद्रोही अभियान से अंग्रेज भयभीत होकर अभियान को दमन करने का निश्चय कर सारी शक्ति झोंक दी। 20 नवंबर 1857 को कैप्टन हेल ने सिख सैनिकों की मदद से चक्रधरपुर पर कब्जा कर लिया। अर्जुन सिंह का दीवान जग्गू पकड़ा गया और उसे उसी दिन फांसी पर लटका दिया गया। 21 नवंबर 1857 को आरएस बर्च ने पोड़ाहाट पर कब्जा कर लिया और राजभवन जला दिया गया, लेकिन राजा अर्जुन सिंह गुप्त मार्ग से बच निकले और विद्रोह पुनः भयंकर रूप धारण कर लिया। तब कर्नल फास्टर की शेखावती बटालियन को दमन करने के लिए आना पड़ा। 17 जनवरी 1858 ईस्वी को अर्जुन सिंह के गढ़ चक्रधरपुर को ध्वस्त कर दिया गया। अनेक विद्रोही, जितने भी विद्रोही मिल सके सभी मारे गए। विरोध को निष्फल होता देख तथा अपने ससुर मयूरभंज के नरेश के हस्तक्षेप के कारण राजा अर्जुन सिंह 15 फरवरी 1858 ईस्वी को रांची के
कमिश्नर डाल्टन के समक्ष चक्रधरपुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ से बंदी बनाकर उन्हें बनारस भेज दिया गया। बाद में इनका राज्य वापस हो गया, लेकिन राजा अर्जुन सिंह बनारस से वापस नहीं आए, जीवन पर्यंत वहीं रहकर स्वर्ग सिधार गए। ऐसे बहुत भारत में सपूत हैं जिनको विदेशियों ने अंग्रेजों के समय भी नई चर्चा में आया, इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला, लेकिन भारत स्वतंत्र हो जाने के बाद भी इन भारत माँ के सपूतों को समुचित स्थान नहीं मिल पाया, यह विचारणीय विषय है। भारत माता की जय।